हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल 24/7 मॉम्स एक्शन में। मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपसे और आपके घर से रिलेटेड होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टाइलिश और रियलिस्टिक लगने वाले फेक प्लांट्स जो कि मैंने सभी मीशो से लिए हुए हैं। तो आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो फिर से बनाया है। एक वीडियो मैं इसका और बना चुकी हूँ, उसमें आपने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया है, इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्लांट है ये बुगनवेलिया का, आई थिंक इसे यही बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये मुझे कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकिंग में रिसीव हुआ था और इसके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक शीट लगी थी जो मैंने अभी आपके सामने निकाला है। तो देखिए चलिए इस प्लांट पे आ जाते हैं। इसकी स्टिक ना काफी लंबी है, ये देखिए कुछ इस तरीके की इतनी लंबी स्टिक है। तो लॉन्ग पॉट्स जो होते हैं ना, आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं, काफी सुंदर लगेगा, रियलिस्टिक लग रहा है। आप खुद देखिए, काफी अच्छे लग रहा है। उसकी लीफ भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, लीफ भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके का आपको ये बंच मिलने वाला है। मैं साइड में इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, प्राइस वगैरह उसमें मेंशन है, आप देख लीजिएगा। और सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट लिंक उसका ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारी ये ट्यूलिप्स, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बट इसकी पैकेजिंग ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। डिलीवरी बॉय जब लेकर आया था ना, तो इसकी स्टिक भी बाहर सी आ गई थी, बट मैंने उसे काउंट करके ले लिया था। तो इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, थोड़े से रबर टेक्सचर में है, ये रबर रबर से लग रहे हैं, बट इनकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग काफी सुंदर है। और इसकी लीफ की पैटर्न भी ना बिल्कुल जैसे रियल होती है ना, वैसे ही है। ये दो के सेट में ऑर्डर किया है, एक सेट में ना आपको चार पीस मिलेंगे और मैंने दो के सेट में इसलिए मंगाया क्योंकि कहीं भी लगाओ या डबल पॉट में लगाओ ना तो बहुत सुंदर लगने वाला है। और ये बंच में ना बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। ये ट्यूलिप्स ना बहुत ही सुंदर वैसे भी लगते हैं, किसी भी स्पेस में ना एकदम से जान डाल देते हैं, तो कुछ इस तरीके से। और इन्हें ना क्लीन करना और मेंटेन करना भी आई थिंक काफी ईजी होगा। सिर्फ आपको हल्के से वाटर में डिप करके हल्का सा इसमें लिक्विड सोप डाल के आप इजिली इनको वॉश भी कर सकते हैं। इनकी स्टिक्स देखिए कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो इन्हें इजिली बेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परचेज की तरफ। तो नेक्स्ट परचेज हमारा कुछ इस टाइप के बॉक्स में रिसीव हुआ है। पैकेजिंग ना मुझे किसी की भी इतनी अच्छी नहीं लगी, बट जितने भी प्लांट मुझे रिसीव हुए हैं ना, सभी मुझे गुड कंडीशन में रिसीव हुए हैं। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट जो कि एक हैंगिंग प्लांट है। इसके साथ एक छोटा सा पॉट मिल जाता है, पॉट काफी स्टर्डी है और वैसा सस्ता वाला नहीं लग रहा है। और इसकी जो लेंथ है ना बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट लेंथ होने वाली है। और इसकी लीफ भी काफी रियलिस्टिक है और ये ना आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अपनी बालकनी डेकोर वगैरह करना चाहते हो ना तो वहां भी रख सकते हो। मैंने इस तरीके के दो और परचेज किए हैं, एक मैंने अपने ड्रॉइंग रूम में लगाया है, एक मैंने अपने किचन डेकोर में यूज किया है और ये मैंने तीसरा मंगाया। बहुत सुंदर लगते हैं और साथ में भी ना अगर आप दो तीन का बंच लगा दोगे ना तो भी बहुत सुंदर लगते हैं। जो मैक्रेम वाली हैंगिंग आजकल चल रही है उसमें भी आप अगर इसको डाल के ऐसे रख दोगे ना तो भी ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और इसकी खास बात बताऊं, कम स्पेस में भी ना बहुत अच्छे से फिट हो जाता है और उस जगह को ना एकदम से हिट कर देता है। तो इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं अपने जिप्सी फ्लावर्स के साथ। ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर रिसीव हुए हैं, फोर स्टिक्स है देखिए कुछ इस तरीके से। मैंने ना इसे अपने लिविंग रूम में कॉम्बिनेशन के साथ लगाया हुआ है। आ गए अब हम लोग अपनी वीडियो के एंड पे। लास्ट के दो प्रोडक्ट्स में साथ में ही दिखाने वाली हूँ। साथ में इसलिए दिखाने वाली हूँ क्योंकि एक प्रोडक्ट मैंने लिया है 700 रुपीज का और दूसरा प्रोडक्ट है अराउंड 300 रुपीज का और दोनों मुझे क्वालिटी वाइज सेम लग रहे थे। मैंने ये कंपैरिजन करने के लिए ही मंगाया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इसका। आप भी दोनों का देख के बताइएगा कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा और आप किसे परचेज करना पसंद करेंगे। तो चलिए दोनों को मैं पहले एक एक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं 700 वाला दिखा देती हूँ। इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा मिली है जो कि ये पॉट है जो कि मुझे किसी भी यूज का नहीं लग रहा है। बिल्कुल बेकार सी क्वालिटी वाला है ये पॉट, मतलब कोई मतलब नहीं है यार इसका। अगर हम लोग इतने बड़े प्लांट को बिग पॉट में लगाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इतने छोटे से पॉट में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। तो ये जो प्लस पॉइंट इसके साथ मिला था ना, ये बिल्कुल मुझे वेस्ट लग रहा है, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब दिखाते हैं इसमें और क्या क्या मुझे मिला है। इसमें ना मुझे ये इस टाइप की स्टिक मिली हुई है और ये मुझे लीफ मिली है
आई थिंक 12 या 10 के सेट में, 12 के सेट में लीफ मिली हुई है। तो लीफ की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये क्वालिटी देखिए कुछ इस तरीके की है। इसमें ना आपको शेडिंग मिल जाएगी, ये देखिए लीफ एक देखिए आप। और इसमें ना आपको एक चीज और मिलने वाली है, कुछ लीफ ना डार्क कलर की है और एक दो लीफ ना इसमें लाइट कलर की है, लाइक दिस। ये देखिए दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, एक लाइट कलर में है एक डार्क कलर में है। तो इससे ना थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देता है, ये टेक्सचर भी अलग है इसका। यहाँ पे ना इसमें कट भी दिया हुआ है जिससे थोड़ा सा ये रियल लगता है, और शेडेड में प्लांट हो जाता ना तो और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो ये 700 वाला है। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको 300 वाला। वो कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ था और ये मुझे कुछ इस तरह की पॉली बैग में रिसीव हुआ है, जो पार्सल वाली नॉर्मल पॉलीथिन होती है। तो इसमें ये एक रिसीव हुआ है और ये हमारी लीफ, ये आपको कार्डबोर्ड में ऐसे रैप करके मिली थी। लीफ ना है वैसी ही सेम टू सेम, बट थोड़ी सी इसमें आपको कलर का फर्क दिखेगा। इसमें भी लाइट कलर है बट थोड़ा कम है, तो ये थोड़ी सी शाइनी इफेक्ट ज्यादा दे रही है। और इसमें भी आपको 2-3 लीफ थोड़ी सी अलग मिलेंगे, जो थोड़ी सी शाइन करी है ये मुझे कम पसंद आ रहा है। बट यार 300 और 700 में अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। आप भी पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, 700 वाला या 300 वाला, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है इसकी लीव्स भी, बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। बैक साइड से आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। जैसे आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है, लाइट डार्क शेड आप अपने अकॉर्डिंग जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये लगने के बाद। और इसकी खास बात ये भी होती है ना, कभी अगर आपको हटाना है तो इसको इजीली डिटैच करके आप हटा भी सकते हो। तो मीशो के एक जैसे दिखने वाले फेक प्लांट्स पर प्राइस का इतना डिफरेंस, एक मुझे 700 का पड़ा है और दूसरा 301 रुपीज का पड़ा है। एक में आपको पॉट मिल जाएगा जो कि ना के बराबर है, लीव्स का पैटर्न एक है बट कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, 12 लीव्स मिल जाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। ये कंपैरिजन वीडियो आपको हिट लगा या मिस मुझे जरूर बताइएगा। लिंक के लिए कमेंट सेक्शन में डीएम टाइप कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।